नमस्कार, मैं मुस्कान चौरसिया, इंडिया इनसाइट चैनल में आपका स्वागत है। 74वें स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ते कुछ खास खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर लगातार 7वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके साथ ही पीएम मोदी ऐसा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए। गौरतलब है कि इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से आगे निकल गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से आत्मनिर्भर भारत बनने पर जोर देते हुए कहा, आखिर कब तक हमारे ही देश से गया कच्चा माल तैयार सामान बनकर भारत में लौटता रहेगा। उन्होंने कहा, आत्मनिर्भर भारत का मतलब सिर्फ आयात काम कम करना नहीं है, बल्कि हमारी क्षमता, रचनात्मकता और कौशल बढ़ाना भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर कहा, आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं। हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड के मंत्र के साथ आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा, भारत को आधुनिकता के तरफ तेज गति से ले जाने के लिए देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को नई दिशा देने की जरूरत है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने शनिवार को 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पैंगोंग लेक के किनारे तिरंगा और आईटीबीपी का झंडा फहराया। वहीं लद्दाख में 16,000 फीट और 17,000 फीट की ऊंचाई पर भी आईटीबीपी जवानों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। आईटीबीपी जवान भारत माता की जय के नारे भी लगाते दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा, आज भारत में कोरोना की एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन वैक्सीन टेस्टिंग के चरण में है। उन्होंने कहा, वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलते ही देश उन वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए भी तैयार है और उन्हें कम से कम समय में प्रत्येक भारतीय तक पहुँचाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा, LOC से LAC तक देश की संप्रभुता के आंख उठाने वालों को देश की सेना ने उसी भाषा में जवाब दिया है। उन्होंने कहा, भारत की संप्रभुता हमारे लिए सर्वोच्च है। इसके लिए हमारे जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, यह लद्दाख में दुनिया ने देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर कहा है, अयोध्या में 10 दिन पहले एक भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। उन्होंने कहा, राम जन्मभूमि के सदियों पुराने विषय का शांतिपूर्ण समाधान हो चुका है। देश के लोगों ने जिस संयम के साथ व समझदारी के साथ आचरण किया, यह अभूतपूर्व है और भविष्य के लिए प्रेरणा का कारण है। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था में DRDO द्वारा विकसित एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात था। यह सिस्टम 3 किलोमीटर के दायरे में माइक्रो ड्रोन्स को डिटेक्ट कर उन्हें जमा कर सकता है। यह सिस्टम लेजर से 1 से 2.5 किलोमीटर की दूरी तक मारकर ड्रोन्स गिरा भी सकता है। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को स्वतंत्रता दिवस पर श्रीनगर में ध्वजारोहण किया। उन्होंने कहा, मेरे प्रशासन का यह प्रयास होगा कि इस महान भूमि जहां से सूफीवाद, शैववाद और बौद्ध धर्म की शिक्षा सदियों से दुनिया के सुदूर कोने में फैली हुई है, यहां के शांति प्रिय नागरिकों के जीवन में शांति, समृद्धि और खुशियाँ वापस आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लेह, लद्दाख, कारगिल, जम्मू कश्मीर, इस क्षेत्र को एक साल पहले अनुच्छेद 370 से आजादी मिली। उन्होंने कहा, ये एक साल जम्मू कश्मीर की एक नई विकास यात्रा का बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये वहाँ महिलाओं और दलितों को मूलभूत अधिकार देने वाला कालखंड है। यह हमारे शरणार्थियों के गरिमापूर्ण जीवन का साल रहा। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भारत को 74वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत और अमेरिका एक दूसरे को महान बहुलवादी लोकतंत्र, वैश्विक ताकतें और अच्छे दोस्त मानते हैं। उन्होंने कहा, इन वर्षों में हमारा संबंध व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी में विकसित हुआ, जिसमें 21वीं सदी में वैश्विक सुरक्षा और समृद्धि के मुद्दों पर करीबी सहयोग शामिल है। IISC और इसरो के शोधकर्ताओं की एक टीम ने स्पेस ईटे बनाने की एक सशक्त प्रक्रिया विकसित की है, जिसका इस्तेमाल कर चांद पर रिहायशी इमारतें बनाई जा सकती है। टीम ने बताया कि इस प्रक्रिया में कच्चे माल के तौर पर यूरिया, जिसे मानव पेशाब से निकाला जा सकता है, और चंद्रमा की मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है।
ईडी के एक अधिकारी के दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के फ्लैट में ईएमआई सुशांत के अकाउंट से जाने वाले बयान के बाद अंकिता ने फ्लैट की रजिस्ट्री शेयर की। उन्होंने 1 जनवरी 2019 से 1 मार्च 2020 तक के बैंक स्टेटमेंट भी शेयर किए। अंकिता के मुताबिक, मेरे पास कहने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं है। योग गुरु रामदेव ने सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किया है। उन्होंने यज्ञ करते हुए एक वीडियो ट्वीट कर कहा, मैंने सुशांत जी के परिजनों से बात की, उनका दर्द सुना तो मेरी भी रूह कांप उठी। उन्होंने कहा, जिंदगी तो छीन ली कातिलों ने सुशांत की, लेकिन कम से कम उनकी दिवंगत आत्मा को तो न्याय मिल जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि सरकार तब तक स्कूल नहीं खोलेगी जब तक वह शहर में कोविड-19 की स्थिति को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाती। उन्होंने कहा, मैं लोगों से मिलता हूँ, मुझे स्कूल नहीं खोलने के मैसेजेस आते हैं। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमें बच्चों की उतनी ही परवाह है जितनी उन्हें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को पटना के गांधी मैदान में सुबह 9 बजे झंडोत्तोलन किया। इस दौरान सीएम नीतीश ने 11 टुकड़ियों की परेड की सलामी ली। गौरतलब है, इस बार कोरोना संक्रमण के कारण सिर्फ 5 धारे की स्वतंत्रता दिवस समारोह में गांधी मैदान पहुंचे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की को बिहार बीजेपी का चुनाव प्रभारी बनाया है, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। बतौर खबर, बिहार चुनाव की घोषणा होने के बाद फडणवीस के नाम का आधिकारिक रूप से ऐलान किया जाएगा। गौरतलब है, 2015 विधानसभा चुनाव में अनंत कुमार बिहार बीजेपी के प्रभारी बनाए गए थे। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने फिट इंडिया अभियान के तहत फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 के बीच फिट इंडिया फ्रीडम रन शुरू किया है। इसमें बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ पुलिस बल भी हिस्सा लेंगे। वहीं रिजिजू ने कहा, फिट इंडिया आंदोलन को जनता का आंदोलन बनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना सच हो गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाले आरबीआई सेंट्रल बोर्ड ने शुक्रवार को 2019-20 के लिए सरकार को अधिशेष तौर पर 57,128 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने की अनुमति दी। पिछले साल आरबीआई के बोर्ड ने सरकार को रिकॉर्ड 1.76 लाख करोड़ का उपभुगतान किया, जिसमें 1.23 लाख करोड़ का लाभांश और 52,640 करोड़ की अधिशेष पूंजी शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूछा कि क्यों 2016 से रिलायंस कम्युनिकेशन के स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कर रही रिलायंस जियो को दिवालिया हो चुकी कंपनी का एजीआर संबंधित बकाया नहीं चुकाना चाहिए। कोर्ट ने दोनों कंपनियों को अपना स्पेक्ट्रम साझा करने का करार रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया है। आरकॉम पर सरकार का 31,000 करोड़ बकाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 56,610 नए मामले मिलने के बाद कुल मामले बढ़कर 25,25,222 हो गए हैं। कुल मामले में से 6,68,044 मामले सक्रिय हैं, वहीं 18,07,556 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 49,134 हो गई है। आखिर में आज का इतिहास। आज ही के दिन 1947 में भारत को अंग्रेजों से 200 साल के संघर्षों के बाद आजादी मिली थी। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।